Good morning, student. I am Taruna Rathi, your science teacher of class 2 from DT Public Senior Secondary School. Friday को मैंने आपको कुछ word meaning करवाए थे chapter 3 के और complete the sentence करवाए थे, give two examples करवाए थे और match up करवाए थे. आज है आपके question answer, जिसमें देखो question आपके ऊपर लिखे हुए हैं, जिसमें first question है name any two plant whose stem we eat. दो ऐसे प्लांट्स के नेम बताने जिसके अपन स्टेम खाते हैं, जिसमें देखो मैंने आपको लिखाया है पोटैटो और जिंजर. इसमें देखो सबसे पहले आंसर दिस क्वेश्चन में मैंने सीधे ही आंसर करवाए, क्वेश्चन आपको ऊपर से देख के करने हैं. टू प्लांट्स हुज स्टेम्स वी ईट, जिसमें स्टेम में पोटैटो और जिंजर खाते हैं और लीव्स वी ईट में स्पिनच और कैबेज खाते हैं. तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है. सेकेंड है आपका विच स्पाइस इज यूज टू इम्पार्ट अ रिच फ्लेवर टू खीर एंड सम पुडिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़ें कौन सा ऐसा फ्लेवर डालते हैं खीर में या कुछ ऐसे अपन कुछ स्वीट डिश बनाते हैं, तो उसमें है आपका कार्डमम यानी इलायची. कार्डमम इज़ यूज टू ऐड फ्लेवर डालने के लिए हम कार्डमम डालते हैं, इलायची डालते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका हाउ डू वी गेट टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट, यानी टी और कॉफ़ी हम कैसे प्लांट से कैसे प्राप्त करते हैं. तो वी गेट टी फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट, यानी जो टी का प्लांट होता है उसकी जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उससे हम जो टी बनाते हैं. तो वी गेट टी फ्रॉम द ड्राइड लीव्स, यानी सूखी पत्तियों से, पेड़ की सूखी पत्तियों से, यानी चाय के पेड़ की सूखी पत्तियों से हमको टी मिलती है. और कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीड ऑफ द कॉफ़ी प्लांट, एक कॉफ़ी प्लांट होता है जिसको कॉफ़ी बीन्स के नाम से जाना जाता है, तो उसमें जो शीड होते हैं उससे हम कॉफ़ी प्राप्त करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन आपका गिव टू वे टू शो हाउ ट्री आर यूजफुल फॉर अस, यानी ट्री जो है हमारे किस तरह से यूज़फुल होते हैं, तो टू वे बताने हैं अपन को. तो इसमें है टू वे में फर्स्ट है आपका ट्री गिव अस फूड इन द फॉर्म्स ऑफ, ट्री जो हमको खाना देते हैं किस किस रूप में, फ्रूट्स के रूप में, नट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के रूप में हम जो खाना देते हैं इस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं. और सेकंड है आपका ट्री गिव अस फाइबर्स, ये हमको फाइबर्स देते हैं यूज टू मेक क्लोथ, यानी कपड़े बनाने के लिए. तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन इसमें दो ही वे पूछे हैं तो मैंने आपको दो ही लिखवाए हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन आपका नेम एनी थ्री थिंग्स मेड फ्रॉम रबर, यानी रबर से तीन ऐसी चीज़ें बनाने वाली लिखनी है अपन को. तो थ्री थिंग्स विच मेड फ्रॉम रबर, यानी रबर से जो तीन चीज़ें बनाई जाती है उसमें है आपका टायर, इरेजर और टॉय. टायर यानी जो टायर्स होते हैं ना जो व्हीकल्स के, साइकिल के वो, और इरेजर वो भी आपका रबर का होता है. टॉयज़ कुछ टॉयज़ होते हैं वो भी रबर के बनाए होते हैं. तो ये आपका आज थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे. तो ये थर्ड चैप्टर आज आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. कल मैं नेक्स्ट इस थर्ड चैप्टर का एक बार वापस रिवीजन करवाऊँगी और थर्सडे को मैं इसकी कॉपी चेक करूँगी. तो आई होप आप इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे. इसमें आपके क्वेश्चन सबसे पहले ऊपर दिए हुए हैं, क्वेश्चन वन लिखना है, उसका आंसर, फिर वन लाइन का डिस्टेंस, फिर क्वेश्चन सेकेंड, उसका आंसर, फिर वन लाइन का डिस्टेंस. इस तरह से आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है और आई होप आप इसको अच्छे से करेंगे. थैंक यू.